हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नई वीडियो में। रात की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना। एक बार फिर से हम रात की प्रार्थना के साथ उपस्थित में ही पिता का धन्यवाद करते हैं, जो यीशु मसीह ने हम सभी को संभाल के रखा है, जीवित रखा, सुरक्षित रखा है। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह का हम सभी लोग धन्यवाद देंगे, क्योंकि वही महिमा करने के योग्य, तारीफ करने के योग्य, स्तुति प्रशंसा बढ़ाई करने के योग्य। मेरे प्रियजनों, उसी ही के द्वारा हम सभी को अनंत जीवन मिला है, उसी ही के द्वारा हम सभी को नया जीवन मिला है। यीशु पापा ने हम सभी से इतना प्रेम किया कि उसने अपना कीमती रक्त बहाया, कोड़े खाए, मार खाए, बेइज्जती सहा, दुख सहा, दर्द सहा। मेरे प्रियजनों, उसने हम सभी से इतना प्रेम किया। मेरे प्रियजनों, हमारे पापों के कारण, पापों का बोझ, गुनाहों का बोझ, बीमारियों का बोझ, इन सारे मानव जाति के पापों का बोझ वो अपने ऊपर ले लिया और कलवरी क्रूस पे चढ़ गया, बलिदान हो गया और तीसरे दिन मृतों में से जी उठा। मेरे प्रियजनों, इसके लिए पिता का धन्यवाद करिए। वो आज जीवित परमेश्वर है। मेरे प्रियजनों, जिस प्रकार से वह जीवित हुआ है, उसी प्रकार से हम सभी को भी जिलाएगा। मेरे प्रियजनों, अनंत काल का जीवन देगा, अजर मीराश का जो कभी नाश नहीं होता है, अनंत काल का अमर जीवन देगा परमेश्वर अपने खोज करने वालों को। मेरे प्रियजनों, यदि आप दुख में हैं, यदि आप तकलीफ में हैं, यदि आप समस्याओं में हैं, यदि आप ग्रस्त हैं, यदि आप नहीं चंगे हो रहे हैं, अपने हालातों के लेकर टूट चुके हैं, तो आज आपको यीशु मसीह से बताना है, आज आपको यहोवा जुलाव से बताने की आवश्यकता है, आज आपको सर्वशक्तिमान परमेश्वर से बताने की आवश्यकता है। वो इतना महान परमेश्वर है, वो इतना दयालु परमेश्वर है, आपके दुखों को, आपकी बीमारियों को जुका त्यू कर देगा परमेश्वर। हालेलुया। पिता, आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई हो। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह का धन्यवाद करिए, जो पिता ने हम सभी को सुंदर रात दिखाई, शाम दिखाई, सुबह दिखाई थी पिता ने, और हम सभी को रात दिखाई। प्रभु, हम सभी को दिन दिखाता है, क्योंकि पिता ये नहीं चाहता कि हम सभी नाश हों, नरक जाएं। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ये चाहता, बल्कि दुष्ट मनुष्य अपना बुरा काम छोड़कर धर्म और न्याय के काम करे, इससे यीशु मसीह प्रसन्न होता है, ना कि दुष्ट के मरने से। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह प्रसन्न नहीं होता है। मेरे प्रियजनों, यदि आपके जीवन में हर कराधरा के बंधन है, आपके जीवन में शैतान की ओर से बंधन है, आपके जीवन में रुकावट के बंधन है, तो आज आपको यीशु मसीह से बताना है, आज आपको यहोवा जुलाव से बताने की आवश्यकता है। ये बंधन टूट जाएंगे, ये बंधन कट जाएंगे यीशु मसीह के नाम से, वे जल जाएंगे। हर कराधरा के बंधन, जादू टोना के बंधन, हर शैतान की ओर के बंधन, वे जल जाएंगे, कट जाएंगे, टूट जाएंगे, आउट हो जाएंगे, विफल हो जाएंगे, खंडित हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रियजनों, क्योंकि यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माएं कांपती हैं, थरथराती हैं, कौन दुर्भक्ति हैं, उनकी औकात नहीं है। जब चांद सितारे आकाश पर थरथराते काले पड़ जाते हैं, तो इस शैतान की क्या औकात है। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह के सामने वो धधकती सामर्थ है, वो तेजो में सामर्थ है, वो ब्लेसिंग है यीशु मसीह। मेरे प्रियजनों, उसको सिर्फ आदेश देना है और आपके जीवन वैसा ही हो जाएगा। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने कहा है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, वही मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। मेरे प्रियजनों, हम सभी को यीशु मसीह के नाम से मांगना है, यीशु मसीह के नाम से पुकारना है, अपने मुंह से अंगीकार करना है, पश्चाताप करना है। आपके जीवन से वे हर कर के बंधन टूट जाएंगे, हर शैतान की ओर के बंधन टूट जाएंगे, बीमारियों के बंधन टूट जाएंगे, आशीष के रुकावट के बंधन खुल जाएंगे, टूट जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मेरे प्रियजनों, आज आपको अपने मुंह से अंगीकार करना है, आज आपको अपने मुंह से पश्चाताप करना है। वो इतना महान परमेश्वर है, इतना दयालु परमेश्वर है, इतना करुणा निधान परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, वो सर्वशक्तिमान है, अल्फा ओमेगा आदरांत है। मेरे प्रियजनों, उसके कहर से, क्रोध से पृथ्वी कांपती है, थरथराती है, जाति जाति के लोग उसके कुल्हड़ को नहीं सह सकते हैं। मेरे प्रियजनों, पिता का धन्यवाद करें, यीशु पापा, हम आपकी तारीफ करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी हुजूरी को, आपकी उपस्थिति को इस बीच में, अपने बीच में मांग लेते हैं मसीह के नाम से। मेरे प्रियजनों, इस प्राणों को आपको आंख बंद करके पूरा विश्वास कैसे सुनना है, लास्ट तक सुनना है। यीशु मसीह ने कहा है, संकट के समय मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। मेरे प्रियजनों, यदि आप संकट संगति में है, तो आज आपको यीशु मसीह को पुकारना है। यीशु मसीह अपने भक्तों को निराश होने नहीं देता है, यीशु मसीह अपने बेटे बेटियों को निराश होने नहीं देता है, परमेश्वर अपने हिसाब किताब से उसका उत्तर दे देता है। हम सभी को प्रार्थना के उत्तर का वेट करना चाहिए। मेरे प्रियजनों, ठीक है, तो चलिए प्राणों को स्टार्ट करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम की जय जयकार करते मेरे प्रभु। मेरे पिता, आप महान हैं, आप दयालु हैं, आप करुणानिधि हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु हैं।
आप सेनाओं के यमा यीशु पापा, जो आपने मेरे शमी हम सभी को मेरे पिता जूतों के बीच में जीवित रखा है, संभाल के रखा है मेरे पिता, सुरक्षित रखा है मेरे प्रभु। इसके लिए भी आपका कोटि कोटि धन्यवाद कहते हैं। यस हालेलुया, हालेलुया। मेरे पिता कितने मनुष्य होंगे पिता, अन्य जाति लोग होंगे पिता, वे मर गए होंगे पिता, वे अपने माता पिता से, भाई बहनों से, घर मोहल्लों से बिछड़ गए होंगे पिता, वे कैसे स्थान पे चले गए होंगे प्रभु, जहाँ की आग नहीं बुझती है, जहाँ के कीड़े नहीं मरते मेरे स्वामी पिता, जो आपने मेरे पिता हम सभी को संसार से चुना है, संसार से चुन के अलग कर दिया पिता, ज्योति में कर दिया है, उद्धार कर दिया है, छुटकारा कर दिया है, आपने कहा मैंने तेरा नाम लेके बुलाया है, तू मेरा ही पिता, आपने कहा है मैंने तुझे माता के गर्भ से ही चुना है यीशु पापा। इसके लिए पिता का धन्यवाद करते हैं। यस हालेलुया पिता, आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी महिमा, आपकी जय जयकार करते हैं मेरे पिता। मेरे पिता हम आपका जितना भी धन्यवाद करें उतना ही कम है पिता, क्योंकि आप महिमा करने के योग्य हैं, तारीफ करने के योग्य, स्तुति प्रशंसा बढ़ाई करने के योग्य मेरे पिता। मेरे पिता हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर यीशु पापा, हे परमेश्वर पिता अपनी करुणा के अनुसार पिता हम सभी के ऊपर अनुग्रह कर पिता, अपने प्रजा के लोगों के ऊपर पिता अनुग्रह कर पिता, अपनी बड़े दया के अनुसार पिता हम सभी के अपराधों को मिटा दे, नष्ट कर दे पिता, पापों को क्षमा कर दे पिता, बर्फ के समान वाट कर दे, उजला कर दे यीशु पिता मेरे पिता, क्योंकि आप ही के पास अधिकार है पिता कि हम सभी के पाप गलती गुनाहों को आप माफ कर सकते हैं पिता। मेरे पिता प्रार्थना करते हैं जो इस वक्त इस प्रार्थना को मसीह भाई अपने मोबाइल पे पूरी विश्वास के साथ सुने हैं और लास्ट में अमीन बोलकर रिसीव करें यीशु पिता, आपके दास होने के नाते पिता इनके जीवन में यीशु मसीह आदेश देते हैं पिता, जो बीमार है पिता, जो बीमारी में ग्रस्त है पिता, जो तमाम इलाज दवाई करा चुके पिता वे नहीं चंगे हो रहे यीशु मसीह के नाम से पिता, आप जनों को छू ले, आपका चंगा वाला हाथ, वाला हाथ झुला रहा हाथ पिता, हर जनों को छू ले मेरे जमीन, ये मसीह बाबा चंगे हो जाए, आजाद हो जाओ बोलकर आमीन, आजाद हो जाओ बोलकर आमीन, आजाद हो जाओ बोलकर आमीन, यीशु मसीह के नाम से ओ धधकती सामर छू ले, यू टच मी पवित्र आत्मा जी, टच मी होली स्पिरिट पवित्र आत्मा जी, टच मी होली स्पिरिट पवित्र आत्मा जी, हर एक जन को छू ले पिता, ने कैंसर है, गलतियाँ, रसोलियाँ, पथरियाँ पिता, नाना प्रकार की बीमारियाँ हैं पिता इनके शरीर में पिता, ये तमाम इलाज करा चुके पिता मेरे प्रभु, किसी के पास मेरे पिता इतना पैसा नहीं है पिता कि अपना इलाज करा सके पिता, हे परमेश्वर दयालु परमेश्वर, हे करुणा निधान परमेश्वर, सारे सृष्टि के मालिक पिता, हर एक जन को छू ले मेरे पिता, उनके लाइफ स्टाइल को पिता, उनकी जीवन शैली को पिता आप बदल दे पिता, बदल दे, यू चेंज यू पवित्र आत्मा जी, मेरे पिता पुत्र पवित्र आत्मा छू ले पिता, पिता ये टूट चुके हैं पिता, ये रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अपनी बीमारियों को लेकर, समस्याओं को लेकर बेचैनी में हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, टेंशन डिप्रेशन में जी रहे हैं पिता, ये यीशु पिता आपके नाम से पिता ये टेंशन डिप्रेशन से बाहर निकल आए यीशु मसीह के नाम से, निकल जाए, आजाद हो जाओ बोलकर आमीन, आजाद हो जाओ बोलकर आमीन, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, हालेलुया हालेलुया, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार करते हैं मेरे पिता, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई हो मेरे पिता, प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, जो गरीब है पिता, जो लाचार है पिता, जो हमारे मसीह भवन पिता मेरे पिता, आप पिता हमारे पिता हैं, हम आपके बच्चे हैं पिता, आप अपने बच्चों को बेटे बेटियों को निराशुदा सुनने नहीं देते मेरे पिता, मेरे पिता आपके दास होने के नाते पिता इनके जीवन में सुरजा हम आदेश देते पिता, जो गरीब हैं, जो लाचार हैं, जो कमाने नहीं है मेरे पिता, तंगी परेशानी में जूझ रहे पिता, टेंशन में हैं, रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, चिल्ला रहे हैं पिता, इन्हें दो वक्त की पिता ने रोटी खिलाइए, भोजन खिलाइए पिता, मेरे पिता इनके घरों के ऊपर पिता आशीषें उंडेल दीजिए पिता, तंगी परेशानी दूर हो जाए, गरीबी दूर हो जाए, आशीषों के बंद दरवाजे खुल जाए यीशु मसीह के नाम से, मेरे पिता आपका वचन कहता है मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोल दिए जाएंगे आशीष के दरवाजे, यीशु मसीह के नाम से मांगते ढूंढते खटखटाते इन तमाम मसीह भाई बहनों के लिए पिता, इनके घरों के ऊपर पिता आशीषें उंडेलिए, बरकतें उंडेल दीजिए, तंगी परेशानी दूर हो जाए, गरीबी दूर हो जाए, ये बहुत ही जाते को धर्म ने बन जाए यीशु नासरी के नाम से, मेरे पिता हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर पिता, जितने लोग आपकी हुजूरी में आपकी उपस्थिति में बैठे हैं, घुटने टेक के बैठे पिता, जो कुछ आपसे मांगे मेरे पिता परमेश्वर आप इन्हें दीजिए पिता, आप दाता विधाता परमेश्वर हैं, आप डॉक्टरों के डॉक्टर परमेश्वर हैं, आप अल्फा ओमेगा हैं पिता परमेश्वर पिता, आप हृदय मनुष्य को जांचने वाले परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता,
जो मसीह बाबा रात में नहीं सो पाते, जिन्हें डर लगता, भय लगता, गंदे सपने ख्याल बिछाते प्रभु, जिया भी लेटे मेरे पिता ने सुख की नींद आने पाए, कोई गंदा कोई ड्रामा सपना ना नहीं पाए उनके जीवन में। यीशु मसीह के नाम से आपका वचन कहता है, जब तू लेटेगा तब तू भय ना खाएगा, जब तू लेटेगा तब तुझे सुख की नींद आएगी, अचानक आने भविष्य नर नए शिव राज्य। इस वचन के द्वारा पिता हम आदेश देते, अधिकार को मांगते पिता, जिया भी मसीह में लेटी तब ने सुख की नींद आने पिता, आपके लहू का बाड़ा बांध देते उनके चार पाई के पास पिता। प्रभु मुझे आशा है विश्वास है पिता अपने प्राणों को सुना है, ये छोटी सी उद्धार करता है, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करेगा, आमीन।